नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। संसद में इन दिनों रूठने और सिर्फ रूठने का दौर चल रहा है। मनाने और मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। नतीजा यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में रोजाना कार्यवाही स्थगित हो रही है। यूं तो पिछले कई वर्षों से संसद के सदन हंगामे और शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े बन गए हैं कि कौन सा दल कितनी मजबूती के साथ सदन में के कामकाज में बाधा डाल सकता है। पहले भाजपा 10 साल तक विपक्ष में थी तो उसने अपना सारा जोर कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ संसद में मोर्चा खोलने में लगाया। अब वह सत्ता में है तो यही आरोप विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर लगा रही है। इस बार संसद के आगे बढ़ने में बाधा बन रही है नोटबंदी। मोदी सरकार के इस अप्रत्याशित फैसले से न केवल देश बल्कि संसद ही मानो ठहर गई है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें, जबकि सत्ताधारी भाजपा अपनी शर्तों पर चर्चा करना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। तो कुल मिलाकर कौन बोले कौन सुने, इस कश्मकश से संसद का कामकाज रुक गया है। संसद में यूं कार्य न होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है? क्या सांसद अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं? जब उन्हें निजी मंचों पर साथ बैठकर चर्चा करने में परहेज नहीं तो संसद में विमर्श में क्या आपत्ति है? क्या संसद को अप्रासंगिक बनाने का कोई खतरनाक खेल देश में चल रहा है? ऐसे ही सवालों पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं देशबंधु के रोविंग एडिटर भारत शर्मा। भारत जी, आपका स्वागत है। लेकिन आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट भरे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। इस स्थिति पर दुखी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कहना पड़ा कि भगवान के लिए अपना काम कीजिए। पीपल सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू स्पीक, नॉट टू सीट इन धरना और नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल ऑन द फ्लोर, फॉर दैट सीट्स आर स्टिल अवेलेबल। Only few weeks in the week, in a year are parliaments are in session. For demonstration you can choose any other places. But for God's sake, do your job. You are meant to transact business. इसके पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद लालकृष्ण अडवाणी ने भी संसद के बाधित होने पर दुखी होकर कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर वे बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। पहले काले धन की बात की, वहां से काउंटरफिट की ओर बहुत दौड़े, काउंटरफिट के बाद कैशलेस में गए। आइए अंदर आइए, बात करिए हमारे साथ, हम करेंगे बात, आप करेंगे बात, देश को पूरा पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, एक महीने से तैयार हूं। सरकार कह रही है, सरकार ने कहा कि आज हम भाषण करने देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं। भाजपा उनके इस कथन का माखौल उड़ा रही है, लेकिन जानकार बताते हैं कि राहुल गांधी अगर संसद में बोलते तो सरकार के पास तुरंत जवाब देने की तैयारी नहीं होती और 4 दिन के लंबे अंतराल के बाद संसद लगती तभी सरकार अपना पक्ष रख पाती। इसलिए भाजपा ने जानबूझकर राहुल गांधी को बोलने से रोका। राजनीति के इन दिग्गजों का जो दुख है, दरअसल वही पीड़ा देश के करोड़ों नागरिकों की भी है जो बड़ी उम्मीदों से अपना प्रतिनिधि बनाकर नेताओं को संसद भेजते हैं। उनका दायित्व अपने क्षेत्र की आवाज़ को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना होता है, ताकि उसकी बेहतरी के लिए निर्णय लिए जा सकें, नीतियां बनाई जा सकें। राजनीतिक दलों को विरोध करने की ताकत लोकतंत्र देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जनहित और देश हित के लिए होना चाहिए। यह महज राजनीतिक खिलवाड़ के लिए है, यह बड़ा प्रश्न है। विपक्ष की मांग है कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री संसद में आकर बयान दें। इस मांग में कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल का नीतिगत फैसला नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा जटिल और गंभीर मामला है। हिंदुस्तान में न राजशाही है न तानाशाही है कि शासक अचानक कोई फरमान सुना दे और प्रजा उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर ले। लोकतंत्र है तो सवाल उठेंगे ही, सड़क पर भी और संसद में भी। संसद में अगर जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर विस्तृत विमर्श चाहते हैं तो सत्ता को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, न ही चर्चा के लिए अपनी सुविधा का हवाला देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री अपना फैसला सुनाने के बाद संसद में पहले ही दिन इस पर खुद बढ़कर चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित करते
तो आज संभवतः संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित नहीं की जाती और नोटबंदी के अलावा अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श होता। भारत जी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि संसद में किसी बहस के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य हो, लेकिन व्यवहारिक और परिपक्व लोकतंत्र का तकाजा तो यही है। ब्रिटेन में हाल ही में ब्रेग्जिट के फैसले पर संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री का रवैया हमने देखा है, क्या हमें लोकतंत्र के ऐसे ही आदर्शों को नहीं अपनाना चाहिए? लोकतंत्र की परंपराओं का और वो मतलब उसके नियम कानून की कोई बात ही नहीं है। सवाल यह है कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना अपने मंत्रिमंडल को भी भरोसे में लिए कोई भी फैसला ले लेते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि वो नहीं बोलते थे या वो नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी मनमोहन सिंह की एक सबसे अच्छी आदत थी, पूरे समय वो हाउस में बैठते थे, हर सदस्य की बात सुनते थे और जहाँ मौका होता था वहाँ पर बोलते भी थे। मनमोहन सिंह की एक और बड़ी खासियत ये थी कि मनमोहन सिंह ने हर निर्णय में, उन्होंने जो भी नियम लागू, जो भी उन्होंने कानून बनाया या जो भी उन्होंने नीति अपनाई, उस नीति के लिए उन्होंने हर विपक्ष के हर पार्टी को उन्होंने साथ लिया और कई बार वो चीज़ों को में संशोधन भी किया करते थे। बीजेपी ने इन सारी परंपराओं को बिल्कुल किनारे रख दिया है और ये अभी एक और जो नई जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि तमाम सारी चीज़ों को, परंपराओं को बीजेपी तोड़ती चली जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और इसीलिए ये जो सत्र है ये इसी वजह से इस पूरे हंगामे की भेंट चढ़ा। और अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से जनता के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मतलब ये एक बड़ा अजीब टाइप का स्टेटमेंट है देश के प्रधानमंत्री का कि भाई अगर आप ही को नहीं बोलने दिया जाएगा या आप ही नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। तो भारत जी, ऐसा देखा जा रहा है कि नीतिगत विमर्शों को खारिज कर मनमाने निर्णय संसद के भीतर हंगामों की आड़ में ले लिए जाते हैं और हाल ही में आयकर में संशोधन संबंधी निर्णय इसका प्रमाण है, जिसमें आपने देखा कि काले धन को कैसे सफ़ेद किया जा सकता है और सरकार का उसमें निर्णय ये आया कि 49.9% आप टैक्स जमा करके और अपने काले धन को आप सफ़ेद कर सकते हैं। यह स्थिति क्या संसदीय व्यवस्था के लिए घातक नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज़ एक समय तो ये डिमांड करती हैं कि लगातार पार्लियामेंट चलना चाहिए या लगातार विधानसभा चलना चाहिए जिससे लोगों के मुद्दे उठते रहें। दूसरे तरफ इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं कि हाउ जो सत्र हैं वो लगातार छोटे करते किए जा रहे हैं। अगर हम बजट सत्र को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। ये परंपराएँ बहुत सारी जगह इसकी शुरुआत हुई और बीजेपी तो खासकर इस मामले में बड़ी उस्ताद है। और मोदी जी के बारे में, जब मोदी जी गुजरात के विधान जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये बात कही जाती थी कि उन्होंने वो विपक्ष को किसी भी काम में भरोसे में नहीं लेते थे और वही परंपरा उन्होंने यहाँ पर शुरू की है। लेकिन स्टेट और सेंट्रल में दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरी, ये जो आपने जो बात कहा ना, ये तमाम सारी जगह देखने को मिलता है, इवन विधानसभाओं में भी सत्ता पक्ष को जो महत्वपूर्ण जो कुछ ऐसे निर्णय जिसमें उनको ये लगता है कि विपक्ष इस पर अड़ंगे लगाएगा, वहाँ पर वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिससे विपक्ष प्रोवोक होकर उधम मचाना शुरू करता है, हंगामा करना शुरू करता है और इस बीच में ये जो इनके लोग जो भी अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष, वो लगातार उसको पढ़ते चले जाते हैं जितने भी विधेयक हैं और उनको बिना किसी बहस के पास कर दिया जाता है। ये परंपरा केवल यहाँ पे नहीं है और ये मुझे लगता है कि ये जो विधेयक, इतना महत्वपूर्ण जो विधेयक था जो संसद में पास हुआ है, ये पहली ऐसी घटना होगी संभवतः है कि लोकसभा में इतना महत्वपूर्ण विधेयक को आपने इस तरीके से पास करा लिया। लेकिन आप अगर विधानसभाओं में चले जाएंगे तो विधानसभाओं में तो ऐसे हर रोज विधेयक ऐसे पास करा लिए जाते हैं इसी हंगामे के बीच में, ना इसके बारे में लोगों को मालूम पड़ता है ना उसके ऊपर कोई डिबेट होती है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्थिति है ये संसदीय व्यवस्था के लिए सचमुच घातक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं भारत जी, और अगला सवाल आपसे एक और है कि राजनेता बड़े बड़े मीडिया घरानों के तथाकथित संवाद कार्यक्रमों में तो खूब बोलते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, एक दूसरे की बात धैर्य से सुनते हैं, लेकिन संसद में इसी से परहेज करते हैं, तो क्या संसद को अप्रासंगिक नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल, संसद तो अप्रासंगिक लगभग आप हम अगर ये सेशन देखें, ये सेशन तो पूरा का पूरा केवल उसमें चला गया कि पहले विपक्ष की अपनी एक जीत थी कि उसने अपने शर्तों के हिसाब से वो बहस कराना चाहता था, अब बीजेपी अपनी शर्तों के हिसाब से बहस कराना चाह रही है इसके ऊपर। पहले विपक्ष प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहा था कि प्रधानमंत्री आए, अपना बयान दें या उनकी बात को उस तरीके से सुना जाए, अब वो इस बात के ऊपर खड़े
सत्ता पक्ष इस पे आ गया है। तो आप देखें संसद तो मतलब आप जिस तरीके का है, मतलब लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा इशू है, इतना पूरे देश के लोग परेशान हैं जिस मुद्दे के ऊपर, और इस मुद्दे के ऊपर संसद के अंदर जो बहस होना चाहिए या सरकार इस पे कुछ ऐसे निर्णय ले सर जिससे लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसमें कुछ उनको सहूलियतें मिलना चाहिए। इस तरीके के जब आप नीतिगत निर्णय लेते हैं तो आपको तमाम सारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी एक उनके साथ आपको डायलॉग करना होता है, मंत्रिमंडल और उनके लोग, जबकि विपक्ष की पार्टी से भी बात करनी चाहिए थी। विपक्ष भाई मैं भी जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि मनमोहन सिंह की जो ये खासियत थी, मनमोहन सिंह कोई भी नीतिगत निर्णय लेते थे उससे पहले वो सबको बुलाकर बात करते थे, और यही उनके लिए घातक हुआ कि लोग ने ये कैंपेन किया कि हर चीज में जाके सोनिया गांधी से बात करते हैं। मेरा बहुत सीधा सा मतलब ये एक सवाल है, जो लोग ये बात करते हैं क्या नरेंद्र मोदी बिना आरएसएस से पूछे कोई काम करते हैं, या नरेंद्र मोदी बिना अमित शाह से पूछे कोई काम करते हैं? सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस यूपीए में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। अगर सरकार कोई भी निर्णय ले और अगर वो अपने विपक्ष अपने सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं ले तो क्या इसे लोकतांत्रिक माना जाएगा? अगर मनमोहन सिंह किसी चीज़ के बारे में सोनिया गांधी से राय लेते थे, और ये एक तरीका भी होता है, सरकार जो भी काम कर रही होती है पॉलिटिकल पार्टी उसका क्या पॉलिटिकल माइलेज उठाती है उठा सकती है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, ये काम सरकार का नहीं होता। तो इसीलिए सरकार और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो भी सत्ताधारी दल होता है, संगठन और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है संगठन उसको अपने फायदे के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है इसकी एक रणनीति बनाता है। तो सोनिया गांधी कांग्रेस की भी अध्यक्ष थी, साथ में यूपीए की चेयरपर्सन थी, इन दोनों के नाते अगर मनमोहन सिंह उनसे पूछते थे तो उसको एक प्रोपेगंडा की तरह इस तरीके से लिया गया कि जैसे मनमोहन सिंह कुछ जानते ही नहीं थे इसलिए उनसे पूछा जाता था। अब सवाल यह है कि जो पूछते थे लोग उनसे भी परेशान हैं, और जो नहीं पूछते उनसे भी लोग परेशान हैं। ये एक बड़ा अजीब टाइप का पूरा मामला हो गया है। जी भारत जी बिल्कुल सही है कि अगर पूछते हैं तब भी और नहीं पूछते हैं तब भी बात तो बनती ही है। तो सदन के भीतर सांसद जो कहेगा वह आधिकारिक रूप से दस्तावेजों में दर्ज होगा, संसदीय कार्यवाही के रिकॉर्ड में जुड़ेगा, लेकिन मीडिया घरानों के मंचों पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए वहां सभी विषयों पर चर्चा हो रही है और संसद उपेक्षा का शिकार हो रही है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे की जमकर खिंचाई करें, आलोचना करें, लेकिन किसी भी हाल में संसद सत्रों को बर्बाद न होने दें, यह आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो जबा में असर कहां। भारत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। नमस्कार।